हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड लेसन इन प्रीवियस वीडियो। पहले के वीडियो में हमने सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया था, एंड वी हैव लीव द आपने क्या सीखा बिंदु। और हमने ये आपने क्या सीखा यानी व्हाट वी यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा इस लेसन में, द मेन की पॉइंट्स ऑफ द लेसन, इस लेसन के जो मेन पॉइंट हैं, जो कि इस लेसन की समरी है, सारांश है, वो हमने छोड़ दिए थे पिछले वीडियो में, ताकि हम लोग इनको पढ़ करके एक बार लेसन को रिकॉल कर लें, पुनः अपने को याद आ जाए और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लें। हमने प्रमुख शब्दों की भी डिस्कशन कर ली थी पिछले वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं आपने क्या सीखा के बिंदु, ताकि हम लोगों को एक बार लेसन फिर से रिकॉल हो जाए माइंड में। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। ये जो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, अपनी आंखों से ये नहीं दिखते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों व जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक व बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु जो है वो जिसको हम वायरस कहते हैं, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, विषाणु जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते, जीव कंप्लीटली जीव नहीं है ये, क्योंकि जब ये बॉडी से किसी बॉडी से बाहर रहता है तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जब ये अंदर चला जाता है तो सजीवों के गुण दिखाने लगता है, जो वायरस होता है। तो वायरस कंप्लीटली सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में इसको रखा गया है वायरस को भी। विषाणु यानी वायरस केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप व जंतु में गुणन करते हैं। यानी जब ये वायरस जो होता है, जिसको विषाणु कहा गया है हिंदी में, ये किसी के अंदर चला जाता है, किसी भी जीवाणु में चला गया, किसी बैक्टीरिया में चला गया, किसी पौधे में चला गया, किसी जंतु के अंदर चला गया। यानी जब इसको किसी की बॉडी मिलती है, जब किसी का शरीर मिलता है, तभी ये गुणन करता है, तब अपनी संख्या बढ़ाता है। लेकिन बाहर जब ये रहता है, जब किसी बॉडी में नहीं एंटर करता है, तब ये अपनी संख्या नहीं बढ़ाता है, ये अकेला रहता है। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि व एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। तो एल्कोहल जब बनता है तो वो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनता है, और कुछ दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह बनती है तो वो फंगस की सहायता से। तो ये कुछ औषधियों में और कुछ एल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे व जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अपन जानते हैं कि कोई भी जानवर जब मर जाता है या किसी पेड़ का कोई शाखा वगैरह टूट करके ज़मीन पर गिर जाती है, तो कुछ दिनों बाद में वो अपघटित होकर मिट्टी में बदल जाता है। तो ये काम कौन करते हैं? ये सूक्ष्म जीव करते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये अतिसार और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ कैटेगरी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, भोजन में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर के उसको उसमें विष उत्पन्न कर देते हैं, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो ऐसा भी सूक्ष्म जीव करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की यानी दाल वाले जो पौधे होते हैं, दलहनी जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं। पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं तो वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं। तो वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को मिट्टी वाली नाइट्रोजन में बदलने का काम ये जो दलहनी पौधों की जड़ों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो ये काम करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो मिट्टी में कुछ जीवाणु यानी राइजोबियम भी उसमें से हैं, और इसके अलावा जो हरी हरी काई होती है पानी में, नीले हरे शैवाल होते हैं, ये काम करते हैं। विशेष जीवाणु
मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। और ये जैसा कि अपन ने ऊपर वाले बिंदु में पढ़ा कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन में बदल देते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों में बदल देते हैं। तो कुछ उल्टा काम भी करते हैं, वो विभिन्न चीज़ों को वायुमंडल वाली नाइट्रोजन में बदलने का काम भी करते हैं, यानी उल्टा काम भी वो करते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है, यानी जो गैस बन करके फिर वायुमंडल में चली जाती है। ये पूरा एक चक्र है जिसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में, आप लोगों ने अगर लगातार वीडियो देखे हैं तो उसमें नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया था। अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नई नोटबुक्स में ज़रूर करते रहें। आपको रेगुलर वीडियो देखने हैं हर सब्जेक्ट के, और हर सब्जेक्ट में जो भी रिटर्न वर्क दिया जाता है वो आपको करते रहना है, अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, और इनको लर्न भी करते जाना है, याद भी करते जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है। हम लोग ऑनलाइन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको भी कुछ वर्क करना है। नई नोटबुक्स लेनी है, नोटबुक्स जो अपनी A4 साइज की होती है, बड़ा वाला रजिस्टर टाइप जो नोटबुक होती है वही आपको लेनी है। और साइंस में रजिस्टर आएगा एक साइड ब्लैंक एक साइड लाइनिंग वाला, वो आपको लेना है साइंस में। और लेफ्ट में आपको ड्राइंग्स जो है रिलेटेड ड्राइंग बनानी ड्रॉ करनी है, और राइट में आपको ये जो भी रिटर्न वर्क है वो कर सकते हैं आप। अगर कहीं पर ड्राइंग नहीं है तो आप उसमें लाइन बना करके उस ब्लैंक पेपर में तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको करते जाना है अपना वर्क, और जैसे ही बुक्स अवेलेबल होती है आपको बुक्स ले लेनी है। अभी केवल गवर्नमेंट की जो 3 बुक्स हैं, यानी मैथ साइंस और सोशल साइंस, ये 3 नहीं है, बाकी सारी बुक्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बुक्स आ गई है, वो आप ले सकते हैं। ये तीनों गवर्नमेंट की बुक्स आएगी, क्योंकि आपका बैच जो है वो हिंदी मीडियम का है, तो हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट बुक्स आएगी, वो अवेलेबल होते ही आपको वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन अभी जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और आपको ये नोटबुक्स कम से कम आप ले लें सभी की, A4 की नहीं सॉरी, ये उससे भी बड़ी जो रजिस्टर साइज आती है वो आपको साइज लेनी है, 174 पेजेज वाला लेना है रजिस्टर, तो वो आप लेकर के उसमें अपना वर्क शुरू कर दें। तो इसमें सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अपन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। आपको इस खाली स्थान में सूक्ष्मदर्शी यंत्र लिखना है, और जो भी हम खाली स्थान में भरते हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगानी होती है, ये हमको पता ही है। ख, नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। अभी अपन ने पढ़ा है, ये खास जो मेन की पॉइंट्स पढ़े थे, अभी समरी पढ़ी थी, इसमें था कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लिखना है जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ग, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो यीस्ट यहाँ पर जो है वो यीस्ट एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो यहाँ पर यीस्ट लिखना है आपको। और हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजे का जो बीमारियों वाला पॉइंट अपने को देखना पड़ेगा, इसमें जो डिजीजेज पैदा होती है। यहाँ पर एक टेबल भी थी, तो एक टेबल थी डिजीजेज वाली, उसमें अपने को मिल जाएगा ये हैजा जीवाणु द्वारा होता है, तो ये जीवाणु लिखना है इसमें आपको लिखना है जीवाणु द्वारा होता है हैजा। और इसमें जो अपने को जो वो भी अपन कंफर्म कर लेते हैं कि जो यीस्ट वाला अपन ने लिखा है वाणिज्यिक महत्व यीस्ट द्वारा, ये बिल्कुल सही है। नीचे देखिए आप, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, और इसमें लिखा है कि फलों के रस, चावल, गेहूं, उनमें प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है, तो आपको यीस्ट सही लिखा था अपन ने, और दूसरे में आपको जीवाणु लिखना है। चलते हैं वहीं पर वापस, तो यहाँ पर देखिए खय में आपके नाइट्रोजन आ ही गया, गय में एल्कोहल का उत्पादन कौन से सूक्ष्म जीव से? यीस्ट हो गया। हैजा किसके? जीवाणु द्वारा होता है। आगे सही शब्द दूसरा क्वेश्चन है,
सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल सही है इसमें, अभी अभी अपन ने देखा है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक कौन है, तो इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट तो एक पदार्थ है, एल्कोहल एंटीबायोटिक नहीं है, यीस्ट तो जीवाणु है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक होता है। दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन की देते हैं डॉक्टर जब कई बार रोगों से लड़ने के लिए, जब अपने विभिन्न प्रकार के रोग होते तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है। मलेरिया परिजीवी का वाहक है, मादा एनोफिलीज मच्छर आ जाएगा इसमें। संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है, जो संचरण होते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है एक से दूसरे के होती है, ऐसी रोगों का मुख्य घरेलू मक्खी, जो मक्खियां होती है वो गंदी चीज़ों पे बैठती है, फिर अपने भोजन या पानी पे बैठ जाती है, तो ये संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, यीस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि से वो फूल जाती है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम किण्वन कहलाता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है जिससे कि ये एल्कोहल बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम फर्स्ट में जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में उनके कार्यों से कीजिए, जीवाणु क्या करता है, तो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जीवाणु, बिल्कुल दही जमने का काम भी जीवाणु, लैक्टोबैसिलस में आ जाएगा वो तो, और हैजे का कारण, चलो ठीक है हैजे का कारण जीवाणु अभी लिखा है अपन ने ऊपर, तो जीवाणु को आप हैजा का कारक से मिला सकते हैं। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मटर और दालों की जड़ों में होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस को आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिला दीजिए। और यीस्ट जो है, यीस्ट क्या, ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड बनाने में यीस्ट का यूज होता है। एक प्रोटोजोआ जो है दही का जमना नहीं, मलेरिया का कारक, हाँ एक मलेरिया का कारक ये प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कारक से आपको मिलाना है। एक विषाणु एड्स का कारक जो है वो, जो एड्स है वो वायरस के कारण होता है, तो ये एड्स का कारक है, तो यहाँ इस तरह से आपको ये मिलाना है। एक इधर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इधर 7 है, तो आपको ये एक रह जाएगा प्रतिजैविक उत्पादित करना, ये रह जाएगा इसमें, इसके लिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र के देखे जा सकते हैं, नहीं देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पॉइंट्स में भी आया था और एकदम स्टार्टिंग में भी है, लेसन के एकदम स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों के वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अतिरिक्त विषाणुओं को भी इसमें रखा गया है, हालांकि वे अलग होते हैं, पर विषाणुओं ये भी लिखना आपको कि हालांकि विषाणु पूरी तरह से सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी इनको इस वर्ग में रखा गया है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का राइजोबियम नाम है उनका, और भी अपन देख लेते हैं, राइजोबियम तो है ही, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यहां पर जीवाणु, हाँ एक तो नाइट्रोजन वो राइजोबियम और दूसरा नीले हरे शैवाल, ये 2 आप नाम लिख सकते हैं, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, ये आप लिखिए इसमें, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए, तो उपयोगी सूक्ष्म जीवों की एक अलग पॉइंट आया हुआ है अपने, ये देखिए रासायनिक उपाय, नमक का परिरक्षण, चीनी द्वारा, ये तो उपाय है यहाँ पर, उपयोगिता अपने लेसन के शुरुआत में ना, इनकी उपयोगिता ही है पूरी की पूरी, कहाँ रहते हैं हम हो गया, और दही और ब्रेड का जमा। देखो मित्रवत सूक्ष्म जीव,
आपको 10 लाइनें लिखनी है तो आप एक एक लाइन लोगे ना हर एक पॉइंट में से, तो 10 लाइनें या दो दो लाइन ले लो आप हर एक पॉइंट में से। जैसे मित्रवत पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो आप, पहला पॉइंट लगा दो मित्रवत सूक्ष्म जीव, तो इसमें लिख दो आप जीवाणुओं का उपयोग दही ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। तो एक हो गया। दूसरा इसमें लिख दो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न चीजों का अपघटन कर उनको मिट्टी में वापस मिला देते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद में ये पॉइंट तो उसमें आ ही गया। इसके अलावा और लिख दो आप, वो फिर वैसे पॉइंट मत बनाओ इसमें, ये तो इसी ये पॉइंट दे करके फिर और हो गया। ये मत लिखो आप मित्रवत सूक्ष्म जीव, आप पॉइंट वाइज चलते जाओ। पहला पॉइंट लिख दिया जैसे कि इनका उपयोग दही ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ये विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उनको पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखिए, ये हो गया अपने तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जीवाणु पनीर अचार व अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा लिख दीजिए, दूध को दही में परिवर्तित करने में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु कार्य करता है। पांचवा लिख दीजिए, पांचवा चलिए आगे, पांचवा क्या लिख सकते हैं, पांचवा लिखिए, जीवाणुओं का उपयोग अल्कोहल व शराब के उत्पादन में किया जाता है। और इसके अलावा छठा लिख दीजिए, अल्कोहल शराब और एसिटिक एसिड तीनों लिख दीजिए, पांच हो गए। उसके बाद में औषधि उपयोग लिख दीजिए आप, और इसको औषधि उपयोग में लिखिए, जीवाणुओं का उपयोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। उसके बाद में लिखिए सातवां, पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिनका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। तो ये सातवां हो गया। आठवां लिख दो, टीका बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। और नौवां लिख दो, जीवाणु जो होते हैं मिट्टी की इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। नौवां ये हो गया। और दसवां लिख दो, पर्यावरण का शुद्धिकरण, कि ये पर्यावरण को शुद्ध विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर, हालांकि ये लिख चुके हैं अपन तो, लेकिन इसमें पर्यावरण का शुद्धिकरण आप लिख सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते शुद्ध किया जाता है, शुद्ध पर्यावरण की शुद्धिकरण में सहायक है। तो इस तरह से आप 10 मेन पॉइंट्स लिख सकते हो, आराम से पॉइंट बना करके लिख दो इनके 10। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखो ये तो हो गए लाभदायक, सातवें पॉइंट सातवें प्रश्न में तो हमने लाभ लिख दिए, इनके उपयोग लिख दिए। अब ये इसमें आठवें पूछा है कि हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो ये हानियों सूक्ष्म जीवों से हानियां, इसका अलग पॉइंट बना हुआ है, सूक्ष्म जीवों से हानियां, ये तो लाभ चल रहे हैं अभी, हानिकारक सूक्ष्म जीव तो इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। पहला पॉइंट लिख दो, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। तो इसमें आप ये कुछ लाइनें लिख दो, ये पहला पैराग्राफ लिख दो आप इसमें, ठीक है ना, ये पहले पैराग्राफ में काफी इसकी समरी आ जाएगी। और ये हो गया, एक तो नुकसान, एक तो हानि, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। दूसरा आप पॉइंट लिखो, ये तो हाँ, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु, ठीक है ना, इसमें से भी कुछ लाइनें आप लिख दीजिए। तीसरा लिखो, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसके बाद में फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्त तत्व, इसमें से कुछ दो चार लाइनें लिखो। और ये तो बचने के उपाय आ गए, ठीक है, बस ये आप लिख दो इसमें, हानियों में इनका वर्णन कर दो, दो दो चार चार लाइनें जो मैंने पॉइंट बताए उनमें से।
प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक जैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक के लिए इसमें अपने पॉइंट आया है, प्रतिजैविक क्या है तो हम जानते हैं, बीमारियों को रोकने के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है, हमने पढ़ा है इस लेसन। ये रहा रोग वाहक टीके में आ सकता है शायद, खाद्य परिरक्षण, रसायन नमक का परिरक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, ये टीका बनाने में आया था, वैक्सीन टीका, प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक। प्रतिरक्षी का मैटर है ये तो, और प्रतिजैविक बनाने में ये आया था शुरू में, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव किण्वन औषधियों में ये यहाँ आएगा। तो ये प्रतिजैविक क्या होते हैं, देखो यहां से लिखना है इसमें, तो आपको इस बुक की भाषा नहीं लिखनी है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपकी जगह हम लिखना है आपको, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा अन्य कोई प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक और औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में की जाने वाली प्रतिजैविक है। तो ये तो हो गया कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। अब प्रतिजैविक लेते समय क्या ध्यान में रखना, देखो ये ध्यान में रखने का ये बॉक्स है, ध्यान रखना चाहिए, आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपके जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम व फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो जो रोग विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं आती, क्योंकि एंटीबायोटिक जीवाणुओं को खत्म करते हैं, सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु कैटेगरी को खत्म करते हैं, ये वायरस जो है इसको खत्म नहीं करते हैं, इसलिए उसमें ये काम नहीं आती। और अनावश्यक रूप से लेते हैं तो फिर अपनी बॉडी का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, फिर वो काम इफेक्टिव कम हो जाती है आगे, फिर वो काम कम करती है अपनी बॉडी में, और जो उपयोगी जीवाणु है अपनी बॉडी के अंदर उनको भी वो खत्म कर देती है अनावश्यक प्रतिजैविक लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट लिखने हैं आपको कि प्रतिजैविक क्या है और इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, इसकी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप परियोजना है। खेत में चने अथवा सेम का एक पौधा समूह लुखाड़ी, इसकी जड़ों को प्रेक्षण कीजिए, आपको जड़ों में कुछ गोल उभार दिखाई देंगे, ये जड़ों की ग्रंथिकाएं, एक जड़ का चित्र बनाकर ग्रंथिका दर्शाइए। तो चने का खेत कहीं हो अपने आसपास, तो चने का पौधा आप उखाड़ोगे तो उसकी गांठें दिखाई देगी उसकी जड़ों में। आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई खेत है तो अनुमति लेकर के चने का एक पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसमें आपको उसकी जड़ों में गांठें दिखाई देगी, और वो जो गांठें हैं वो ग्रंथिकाएं हैं, उनमें वो सूक्ष्म जीव रहते हैं राइजोबियम, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को इस मिट्टी के नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जिनको फिर पौधा ले सकता है। तो ये चित्र बनाना है इसमें आपको, शायद इसमें होगा ग्रंथिकाओं वाला चित्र होगा इसमें, तो वो आप बना सकते हैं, इसमें देखना होगा अपने को।
और नहीं होगा तो आप अपने ढंग से जड़ें बना करके और उसमें थोड़े उभार बता देना, गांठें बता देना थोड़ी, वही ये देखिए ये है ना, लेग्यूम कोल पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। तो आप इस तरह क्या एक जड़ बना के ये जो ग्रंथिकाएं दिख रही है ना आपको, इस तरह की ग्रंथिकाएं बना देना इसे। तो ये आपको करना है, इसमें चित्र बनाना है आपको। दूसरा, जैम तथा जेली के लेबल एकत्र कीजिए, उसके ऊपर छपे संगठकों के नामों की सूची बनाइए। आपके घर में अगर जैम, जैम होता है बटर, वो रोटी के साथ खाने का जैम, फलों का रस से बनता है जैम और जेली, तो अगर किसी के घर पे वो डिब्बा है तो उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, हर चीज जो होती है ना डिब्बे बंद उस पर लिखा हुआ आता है कि वो किन किन चीजों से मिल के बनी है या उसमें क्या क्या डाला हुआ है। तो वो आप एक कोई जैम की शीशी हो ना, उसकी जो चिपका हुआ रहता है ऊपर कागज, उस पर देखेंगे तो उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, उसके घटक आते हैं, क्या क्या मिले हुए हैं उसमें, उनकी लिस्ट आपको बनानी है इसमें। तो ये आपको करना है, कोई जैम की बोतल हो तो उस पर आपको मिल जाएंगे। एक डॉक्टर से संपर्क कर पता लगाइए कि किसी प्रतिजैविक का उपयोग बहुत अधिक क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो अभी जो बॉक्स मैंने लिखा बताया था कि प्रतिजैविक को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो वापस लिख सकते हो इसमें, क्योंकि डॉक्टर भी वही बात बताने वाला है, इसमें आंसर में वो लिख सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो अगर नहीं मिले आपको बोतल तो। तीसरा आपको करना है। चौथा प्रोजेक्ट है, आवश्यक सामग्री परख नली, मार्कर, पेन, चीनी, ईस्ट पाउडर, गुब्बारे और चूने का पानी। एक ये देखिए, दो परख नली लेकर इन पर ए और बी निशान लगाइए। परख नलियों को एक स्टैंड में लगा दीजिए तथा ऊपर का थोड़ा सा स्थान छोड़कर इसमें पानी भर दीजिए। प्रत्येक परख नली में 2 चम्मच चीनी डालिए। परख नली बी में 1 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, यानी 2 परख नलियां ली, चीनी दोनों में डालिए, लेकिन यीस्ट का जो पाउडर है जो खमीर पैदा करता है, फुला देता है चीजों को, वो बी वाली परख नली में डाला। 2 गुब्बारों को थोड़ा सा फुलाकर प्रत्येक परख नली के मुख पर लगा दीजिए, यानी ए वाली जो परख नली उसमें तो केवल चीनी है और बी वाली में चीनी में यीस्ट भी डाल दिया थोड़ा, और फिर दोनों पे गुब्बारा लगा दिया। इन्हें उष्ण स्थान पर यानी गर्म स्थान पर सूर्य के प्रकाश से दूर के स्थान पर रख दीजिए। 3-4 दिन तक प्रतिदिन इसका प्रेक्षण कीजिए, इस अपने प्रेक्षण नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए और व्याख्या कीजिए। अब एक अन्य परख नली लीजिए, तो इसमें क्या होगा, जैसे गर्मी में इनको रखेंगे ना, धूप में नहीं बल्कि गर्मी में, तो वो यीस्ट जो क्या करता है, यीस्ट फुला देता है कोई भी चीज को, तो ये गुब्बारा फूलेगा बी वाला, क्योंकि उसमें गैस भी बनेगी और फुलावट आती है यीस्ट में। यीस्ट क्या करता है, गैस बनाता है, तो चीजों को फुला देता है, जैसे ब्रेड को बनाते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें यीस्ट पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो फूल जाती है। ऐसे ही ये गैस बनेगी इसमें भी, तो ये गुब्बारा फूल जाएगा, ये अपने प्रेक्षण ध्यान में आएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बी ये प्रश्न नंबर लगा के लिख देना, प्रेक्षण अध्ययन, अध्ययन क्या निष्कर्ष क्या निकला कि यीस्ट पाउडर के कारण परख नली बी में क्रिया, यीस्ट के कारण से खमीर की क्रिया होती है और उसके कारण से गैस बनती है और बी में गुब्बारा फूल जाता है। अब एक अन्य परख नली लीजिए तथा इसमें 1/4 यानी 1/4 भाग तक चूने का पानी भरिए। परख नली बी में बी से गुब्बारा इस प्रकार हटाइए कि गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर न निकले। अब इसे चूने के पानी वाले परख नली पर लगाकर भली भांति हिलाइए, अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। तो देखो अब ये क्या हुआ है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता होती है कि वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो हमने इसमें जो बी वाली परख नली में चीनी और जो यीस्ट डालने से, अब इसका निष्कर्ष ये लिखना आपको पूरे प्रयोग का कि ये बी वाली परख नली का गुब्बारा फूला है, इसका मतलब कोई न कोई गैस उसमें बनी है। अब वो कौन सी गैस बनी है, इसका परीक्षण करने के लिए हमने क्या किया, चूने के पानी की परख नली में इस गैस गुब्बारे को धीरे से हटा करके डायरेक्ट वो गैस इसमें चूने के पानी में प्रवाहित की, तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि वो जो गैस बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुल मिला के ये निष्कर्ष निकलता है कि जब ये यीस्ट में खमीर की प्रक्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसी के कारण चीजें फूल जाती है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं, लिखनी भी है आपको।
क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव है, इसलिए ये कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए जाते हैं। ये कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए जाते हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराइयों में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह सके। यानी कैसे भी एनवायरनमेंट में जीवाणु, ठंडे से ठंडा, बर्फ ले लो, रेगिस्तान ले लो, तपती गर्मी, ठंडक, हर प्रकार के, यानी कि चंद्रमा पे भी जहाँ हवा नहीं है वहां पे भी ये जीवाणु मिल गया, तो जीवाणु और धरती पे मनुष्यों से भी पहले रह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं आज सेकेंड लेसन की। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं अच्छी हैंडराइटिंग में, और इनको आप मुझे फोटो इनकी अच्छी सी खींच करके क्लियर सी मुझे भेज सकते हैं आप चेक कराने के लिए, और इनको लर्न भी करें, आप याद भी करें। हमने लेसन 2 तक कंप्लीट कर लिया है, आपकी नोटबुक में भी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सेकंड लेसन तक का काम जो भी मैंने आज बताया है। और अगले वीडियो में हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल दैट, बाय बाय। ओके।